नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा के रण में। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में मतदाता अपना मूड बना चुका है कि आखिर इस बार किसको वोट देना है, किसको सत्ता की कुर्सी में काबिज करना है। और ऐसे में आज हम गाजियाबाद के लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक VIP सीट है, दिल्ली से जुड़ी हुई है और बीजेपी का गढ़ रहा है। चाहे बात निकाय चुनाव की करें, चाहे विधानसभा चुनाव की करें या लोकसभा चुनाव, बम्पर जीत हर बार भारतीय जनता पार्टी की ओर ही रही है, इशारा यही रहा है। हालांकि इस बार गाजियाबाद में प्रत्याशी को बदला गया है और ऐसे में नए प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ गाजियाबाद की जनता का रुख है ये आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि गाजियाबाद के उन गांव में भी आपको ले चले जहां पर ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर इस बार ग्रामीण मतदाता क्या सोच रहे हैं और किसको वोट देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं इस चुनावी सफर में और आपको रूबरू कराते हैं जनता के मूड से। तो सबसे अहम हो जाता है कि मतदाता क्या सोच रहा है ये जानना, और यही जानने के लिए जब हम निकले हैं तो ऐसे में सबसे पहले हम घंटाघर इस बाजार में आए हुए हैं। यहाँ जो लोग मौजूद है ये इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि इनका मिजाज क्या है, किसको इस बार वोट देने वाले हैं। तो कैमरे से भागते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बोल पाए उनसे बातचीत करें और जाने कि व्यापारी वर्ग भी क्या सोच रहा है, आम जनता क्या सोच रही है, उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो इस बार किसको वोट देने का मन बनाया? आज तक तो वैसे मैंने वोट दी नहीं है कभी भी, क्योंकि अगर 14 से पहले की बात देखो तो उसमें क्या था कि हमारे पर्सनली, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट है जो मैंने देखा है पर्सनली, तो हमारे गांव में क्या था, आठ से पहले कभी लाइट नहीं आती थी, 8 से पहले, और आती भी थी तो रात को 3 या 4 घंटे के बाद। बट 14 के बाद से, जब से योगी आए हैं, मोदी आए हैं, उसके बाद से देखा जाए। कौनसा गांव है आप? अटोर नंगला, जिला गाजियाबाद। इट्स लोकेटेड नियर बाय राजनगर एक्सचेंज। 2008 से पहले आपके लाइट नहीं आती? आती थी बट नाइट में आती थी, करीब 8 या 9 बजे के बाद, मतलब जब तक सारे काम खत्म हो जाते थे। पर क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और आप जो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट? देखो, अगर नॉर्मली देखा जाए तो देश किस चीज पर डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उस चीज का डेवलपमेंट देखा जा रहा है जब से योगी बीजेपी आई है ना। तो अब तक तो मैंने वोट दिया नहीं है, पर पर्सनली इस बार वोट दूंगा केवल बीजेपी के लिए। अच्छा, प्रत्याशी भी बदला गया है अगर आपको मालूम हो, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मोदी के चेहरे पर वोट देने जाएंगे? पर्सनली योगी के। अच्छा, योगी और मोदी, इस जोड़ी को कैसा देखते हैं, योगी और मोदी की जोड़ी? देखो क्या है कि अगर देश की बात करी जाए, जो अभी तक हम बाहर बाहर कंट्रियों में भी देखते हैं कि अभी तक जो नाम हो रहा है वो केवल मोदी की वजह से हो रहा है ना। सबका अलग अलग परसेप्शन है, कोई किस तरह से देखता है, कोई किस तरह से देखता है, बट अगर देखा जाए तो जो भी नाम हो रहा है मोदी की वजह से हो रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, है ना। देश भी स्ट्रांग हो रहा है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है। आपने क्या मन बनाया इस बार? हमारे लिए तो मोदी जी जिंदाबाद है। क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर आप इस बार मतदान करने जाएंगे? मतदान तो मोदी वोट देंगे, मोदी। इन 10 सालों के काम को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने, बहुत, अगर एजुकेशन के मामले में भी देखें एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देखें एंड जैसे जैसे कंट्री ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर 70 साल में कुछ नहीं हो पाया, 10 साल में कर दिया किसी ने, तो वो इसको प्रेफर करेगा इंसान कोई भी हो। व्यापारी वर्ग से भी जान लेते हैं, यहाँ दुकान लगाने का ही काम करते हैं, इनसे पूछते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बार किसको वोट देने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए, कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 35 साल हो गए मेरे को। गाजियाबाद में ही रहते हैं? हाँ, प्रॉपर। अच्छा, तो गाजियाबाद में इस बार किसको सांसद चुन के बनाने का मन बनाया है? BSP को। BSP? BSP को। किस मुद्दे पर, किस आधार पर आपने मन बनाया है, क्या कुछ देखकर आप BSP को वोट देने वाले? BSP के कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था, कानून नाम की कोई चीज होती है ना, वो बिल्कुल कायम होती है और सख्त होती है। उन्होंने, बहन जी ने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो कि उनसे जो अधिकारी टाइप का आदमी है ना, वो डरता है और टाइम पे ही ऑफिस में पहुंचता है, टाइम पे ही अपने कार्यालय में होता है वो। अच्छा, एक तरफ BJP है, एक तरफ विपक्षी गठबंधन है और एक तरफ BSP है, कैसा मुकाबला देख रहे हैं तीनों के बीच में? मुकाबला तो तिकोण ही चलेगा फिर, वो तो जो मेन है वो बसपा और BJP है। बसपा और BJP के बीच में मुकाबला है और इंडी गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सपा कांग्रेस? वो
उसमें तो आपस में ये का नहीं है तो क्या लड़ेंगे, किस क्या अलग से कर पाएंगे, वो आपस में इधर उधर हो रहे हैं वो। आइए एक दुकान के अंदर चलते हैं। इस बार किसको गाजियाबाद में सांसद बनाने का मन बनाया आपने? डोली शर्मा को। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ देंगे, हम तो वो कांग्रेस को देंगे। क्या मुद्दे ध्यान में रखकर इस बार वोट देने वाले हैं? मैं मुद्दे थोड़ा सिर्फ कांग्रेस को देंगे। किस आधार पर आप मतदान करने जा रहे हैं? एक बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव। राहुल गांधी जी को बनाना है प्रधानमंत्री, बदलाव की जरूरत है। आपने क्या मन बनाया, किसको वोट देंगे? सेम टू यू, डोली शर्मा को जिताने जी। आपने क्या मुद्दे देखे हैं, क्या पिछले 10 सालों के काम को लेकर? बदलाव तो होने चाहिए, देखिए 10 साल हो गए, अब उनको भी औरों को भी मौका मिलना चाहिए। बदलाव तो होने चाहिए कुछ ना कुछ, अब नया आए तो उन्हें भी पता चले वो क्या करना चाह रहे हैं। 2-3 बारी वो भी लग चुके हैं लेकिन आए नहीं है, तो बदलाव तो होना चाहिए, उनका पता चले अब क्या है। हम तो एक वोटर रहेंगे, हमारे एक वोट से तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश है। आप यही काम करते हैं? कितने सालों से रह रहे गाजियाबाद में? गाजियाबाद में हम रह रहे करीब करीब 35 साल से ऊपर हो गए गाजियाबाद में रहते रहते। प्रत्याशी इस बार बीजेपी की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से और बसपा की तरफ से उतारे गए हैं, इन तीनों के बीच में कैसा मुकाबला देख रहे हैं? हमने तो अभी इतना देखा नहीं, न्यूज़ तो इतनी देखते ही नहीं है हम, खैर इतनी न्यूज़ देखते ही नहीं है, लेकिन हम तो चाहते कि बीजेपी बने दोबारा, बीजेपी को वोट देंगे। किन मुद्दों पर वोट देने जाएंगे आप? हम तो जी मुद्दे पर जैसे दिखा देख रहे हैं, हम बीजेपी का जो देख रहे हैं, जिस हिसाब से साफ सफाई चलती है, उस हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, उस हिसाब से चाहते हैं। आपने क्या मन बनाया इस बार? मन क्या बनाया मैम, सरकार कोई सी भी आ जाए हमारे लिए सब बेकार है। मैं तो सीधी बात करता हूँ, कोई काम नहीं करती सरकार, सिर्फ उसी टाइम करती है जिस टाइम उन्हें वोट चाहिए, भाई साहब हम हैं, और जब उसके बाद वो नज़र नहीं आते कभी। हमारा तो मुद्दा ये है किसको वोट दें, किसको जिसको मर्जी दे दो, पर दिक्कत सबके साथ यही है। 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करने तो जाएंगे आप? जाएंगे जरूर। उस दौरान किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी, कांग्रेस को वोट देंगे, शुरू से कांग्रेस को देते आए और कांग्रेस को देंगे। आधी आबादी को उसका हक तो मिल गया, लेकिन अब ये आधी आबादी किसकी तरफ जाती है ये भी जानना जरूरी है। और आप लोग ने क्या मन बनाया इस बार, किसको जिताने वाली है? ऑलवेज बीजेपी, उसमें कुछ सोचा ही नहीं है। मोदी जी कंपेटिटर है ही कौन, केजरीवाल गया, कांग्रेस तो कोई फायदा नहीं है, है ही नहीं वहाँ पे। बचा क्या, समाजवादी में भी कुछ बचा नहीं है। किन मुद्दों के आधार पर आप 26 तारीख को वोट देने जाएंगे? सभी कुछ, सबसे पहले राम मंदिर, उसके बाद जो इतने टाइम में होना चाहिए था नहीं हुआ, प्रूफ जैकेट फॉर आर्मी, आर्मी जो उन्होंने किया है वेरी गुड, और बाकी लेडीज के लिए जो किया है एज उन्हें चूल्हे से गैस सिलेंडर की तरफ लेकर गए हैं, या फिर उन्होंने जो बेसिकली हमारे जो बंद हुआ है 3 तलाक जो बंद हुआ, दैट इज बेस्ट, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। गाजियाबाद के अगर मुकाबले की बात करें तो एक त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, एनडीए, इंडी गठबंधन और बसपा, क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी जीते? कुछ भी ले, त्रिकोणीय कह लें या फिर स्क्वायर बना लें, कुछ भी कह लें, फाइनली जीतेंगे तो मोदी जी ही। यानी मन बना लिया आप लोगों ने जिताने का? हाँ, ऑप्शन ही नहीं है। 10 साल में जो काम हुए हैं उनको किस तरह से देखें? बहुत अच्छा है, और स्पेशली यूपी में तो बहुत प्रोग्रेसिव है, जैसे यूपी को मिनी यूपी पाकिस्तान बोला जाता था, अब एटलीस्ट यूपी हिंदुस्तान लगता है, करप्शन वाइज भी कम है, क्लीनिंग वाइज, लेडीज, एवरीथिंग, मतलब इन एवरी वे यूपी प्रोग्रेसिव है। अब आप देखो यूपी में इंडस्ट्रियल भी बढ़ा है, एंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी सारे लोगों ने अपने, मतलब फिल्म इंडस्ट्री लाइन भी यहाँ पे, अब यूपी में आप देखो जितनी वेब सीरीज हैं और सब में, उसमें यूपी में काफ़ी काम हो रहा है। सुरक्षित वातावरण मिल रहा है आप लोग, क्योंकि महिलाएं हैं? सुरक्षित है कि नहीं, लेकिन करप्शन कम हुआ है, सुरक्षित, आई डोंट नो। आप लोग सेफ महसूस करती हैं कि नहीं? ऑब्वियसली, अगर हम 9 बजे 10 बजे बाहर घूम रहे हैं तो ऑल ओके, ठीक है, इट्स ओके। आप एक वर्किंग वुमेन है, काम करने के लिए बाहर निकल कर आती हैं, चुनाव नजदीक है, ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए किसको जिताने का मन बनाया है? जो मेरे लिए जिताने का मन है वो है मतलब मोदी जी, मैं मोदी जी को जिताऊंगी। सबसे अच्छा उन्होंने काम भी किया है, हम नागरिकों के लिए सबसे चीज़ ये है कि हम रात भर भी लेट भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, और आप भी देख रहे हो वो चीज़ें। अच्छा, गाजियाबाद में जो प्रत्याशी हैं इस बार बदलाव किया गया है,
तो किस आधार पर वोट करने जाएंगी आप? क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे, उनको सोचकर आप वोट करेंगे? भाई मेरा तो आज से शुरू से लेकर अभी तक ये है कि बीजेपी को वोट जाना है, बस। उन्होंने साफ सफाई पे ध्यान, आपको प्रत्याशी से मतलब नहीं है, आपको बीजेपी, बीजेपी से मतलब है बस, और कुछ नहीं। तो बीजेपी के प्रति ये लोगों का लगाव है, और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपने क्या मन बनाया, किसको वोट देंगे? बीजेपी। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत कुछ बदलाव क्या है, बदलाव दिख ही रहे हैं सारे, हमारे जितने भी दिल्ली में हुए या गाजियाबाद में हुए, उन सबको देखते हुए। बाकी मेरे को बीजेपी से प्यार भी है। 10 सालों के काम को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छे से, मतलब दिख ही रहा है वो तो, सारा सारी चीजें बनवाना कराना सब चीजों के लिए करना, बस ये सब चीजें। अच्छा, यहाँ का जो कैंडिडेट उतारा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनको आप उनके बारे में क्या जानती है? उनके आधार पर वोट करेंगी या पीएम के आधार पर? पीएम के आधार पर। आपकी दुकान है ये? पिछले कितने सालों से यहाँ पे दुकानदारी? हमारे ये 50 ईयर्स ओल्ड। आपने गाजियाबाद का हर एक दौर देखा होगा, अब इस बार किसको जिताने का मन बनाया? देखो जी, इस टाइम तो मोदी लहर ही है, मोदी लहर में मोदी ही जी आएंगे। बाकी कोई अगे कोई ऐसा कोई कैंडिडेट भी तो नजर नहीं आ रहा जो जिसको दी जा सके। अच्छा, कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, तो अगर गाजियाबाद से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं इस बार बीजेपी की ओर से अतुल गर्ग, आप क्योंकि बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, ऐसे में प्रत्याशी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, ठीक है, अच्छे हैं, पिछले 10-12 सालों से वो गाजियाबाद की सेवा कर ही रहे हैं, इस बार भी अच्छा उन्हें मौका मिला है, तो एक लोकल पर्सन है तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, एनडीए की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, बसपा की ओर से जो प्रत्याशी उतारा गया गाजियाबाद में, इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, ये तो हमेशा से होता आया है त्रिकोण, या कभी कैंडिडेट किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, पर ये तो आज इस टाइम तो सब जीत मोदी जी के नाम पे ही चल रहा है। आपने क्या मन बनाया है इस बार 24 के चुनाव? 24 का चुनाव बिल्कुल साफ है, मोदी जी का कहना है लोकल फॉर वोकल, लोकल प्रत्याशी हमारे मोदी जी ने गाजियाबाद में दिया है, तो संपूर्ण जनता जो गाजियाबाद की है वो अतुल गर्ग जी को वोट करेगी, और कम से कम अतुल गर्ग 5 से 10-7 लाख वोटर जीत के संसद जाएंगे। क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप 26 तारीख को मतदान कर लेंगे? मुद्दे तो ये हैं कि जैसे एक हमारा एरिया आता है विजयनगर, वहाँ एक सरकारी अस्पताल नहीं है और एक सरकारी स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, तो कम से कम ये है कि एक सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल जो लड़कियों के लिए हो वो बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि लड़कियां हर जगह नहीं जा पाती हैं, उनके माँ बाप हर जगह नहीं जाने देते हैं। गाजियाबाद का बहुत अच्छा विकास हुआ है पिछली सरकार में भी, और हम चाहते हैं और विकास हो, जैसे कि रैपिड मेट्रो दी है, और अभी क्या नाम है आपने मेट्रो दी है हमारे गाजियाबाद में, और बहुत सड़कें दी हैं, आर ओ भी दिया है हमारा पिछली सरकार में, तो गाजियाबाद की जनता खुश है, और जो प्रत्याशी मोदी जी ने उतारा है उसे बिल्कुल तनमंदन से वोट देके हम जिता के संसद भेजेंगे। विपक्ष ने गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन, आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस एकजुट होकर यूपी की अगर खास तौर पर बात करें पूरी जान झोंक रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? ये गठबंधन पूरी तरह फेल है, आप देख लेना जब नतीजे आएंगे तो 400 प्लस ही सीटें निकलेंगी पूरे उस विधानसभा लोकल्स में, कुछ भी नहीं होगा, इनका गठबंधन बहुत जल्दी टूटने जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि एक आतंकवादी जो था, क्या नाम उनका, मुख्तार अंसारी, जिनका भी निधन हुआ, तो उनके निधन पर जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, वो उनके घर जाते हैं, वो ये कहते हैं, वो रोबिन हुड थे, उनकी छवि एक अच्छी थी, अगर वो अच्छी होती तो पब्लिक उनसे डरती नहीं, जो उन्होंने हत्या कराई थी कृष्णानंद राय की, आज उनका बदला पूरा हुआ उन परिवार का, कृष्णानंद राय का परिवार बहुत खुश था, वो भले ही ना खुश हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस यूपी गवर्नमेंट में जब से योगी जी ने कमाल संभाली है तो भय मुक्त हुआ है, आतंकवाद मुक्त हुआ है, बदमाश मुक्त हुआ है। तो इस जोड़ी को कैसे देखते हैं, योगी मोदी की जोड़ी को कैसे देख रहे हैं आप? योगी मोदी जी को बिल्कुल एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह है, योगी जी छोटे भाई हैं, मोदी जी बड़े भाई हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं योगी करते हैं, योगी जी का टेरर है अपना, आज देखिए आप कहीं भी सड़क पर आराम से घूमते, कोई लूट नहीं कुछ नहीं, अब छोटे मोटे चीजें चलती रहती हैं, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। तो इस बार किसको जिताने का मन बनाया आपने? देखिए, जिताने की बात ऐसी है, अभी जो हमारे देश की करंट सिचुएशन है, हमारे पास में कोई विपक्ष में नेता ही नहीं है। आज की डेट में अगर आप राहुल गांधी जी से भी पूछोगे कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए और आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना है, तो शायद वो भी बोल दे कि भाई मोदी जी बनेंगे। तो जब देश में कोई काबिल नेता ही नहीं है मोदी जी के अलावा, तो सीधी सी बात है कि वही आएंगे। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है गाजियाबाद में इस बार, आपको लोकसभा चुनाव से पहले क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल गाजियाबाद की तो सीट बीजेपी की है हमेशा से ही, पहले यहाँ पर जो हमारे मंत्री जी थे आर्मी चीफ,
वो इस बार नहीं है तो अतुल गर्ग जी आए हैं तो वही आएंगे। प्रत्याशी बदले उससे कोई मन नहीं बदल रहा है? नहीं, अतुल गर्ग जी भी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, वो भी यूपी सरकार में अभी भी मंत्री हैं और इससे पहले भी वो राजनीति में रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि प्रत्याशी कोई नया आता या नया चेहरा होता जिसने काम नहीं किया गाजियाबाद में तो शायद लोगों को ये रहता कि यार दे नहीं दे, लेकिन अभी तो प्रत्याशी भी पुराना है और पार्टी में इतने टाइम से है, राज्य सरकार में मंत्री हैं, काम कर रहे हैं, तो जनता स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं के साथ में जाएगी। यानी खुश हैं आप? अभी तक तो खुश हैं। तो आप इस दुकान के मालिक हैं, पिछले कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? जी, हमारी 1947 से दुकान यहाँ पे, बाप दादाओं के साथ मिलकर चला रहे थे, हम तीसरी पीढ़ी है। गाजियाबाद से आपका पुराना नाता है? जी। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार गाजियाबाद? गाजियाबाद का बीजेपी का माहौल पक्का है जी, उनका ही है। प्रत्याशी में बदलाव किया गया इस बार? जी जी, पर्याप्त बदलाव तो करा गया है, लेकिन जो है वो बीजेपी का ही है पक्का। यहाँ क्या ऐसे अहम मुद्दे रहने वाले जिनके आधार पर इस बार मतदान करने जाएंगे आप? जी, अहम मुद्दे हैं, थोड़ा मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा जो तरक्की हो रही है देश के लिए, उन्होंने बाहर के देशों से अब काफी दबाव बना के रखा, बहुत अच्छा कर रखे है। त्रिकोणीय मुकाबला भी गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है, डॉली शर्मा जो कि कह रही हैं वो गाजियाबाद से ही हैं और पिछले चुनाव से इस बार भी लगी हुई हैं मैदान में, बीएसपी की ओर से भी प्रत्याशी उतारा गया है, अतुल गर्ग तो मैदान में है ही, ऐसे में इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे में इस मुकाबले में मैडम सीधा साफ है बिल्कुल, जो अतुल गर्ग ही जीतेंगे, उनकी छवि साफ है, उनका काम करने का तरीका अच्छा है, फिर मोदी जी के नेतृत्व में काम जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, कुछ लोग जो प्रत्याशी में बदलाव हुआ है उसको लेकर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? नाराजगी कहीं, जिसका काम होता है वो खुश हो जाता है, जिसका नहीं होता उसकी नाराजगी होती है, अब ये हमेशा हर दल में हर पक्ष में होता है। तो ये थी गाजियाबाद की जनता की मिली जुली राय, जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि मोदी के चेहरे पर इस बार चुनाव हो रहा है और मतदान करने वो लोग जाने वाले हैं। कुछ ऐसे मतदाता हैं जिन्हें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, उन्हें मोदी के काम पर सिर्फ वोट देना है। तो कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो प्रत्याशी के नाम पर इस बार मतदान करने जा रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर गाजियाबाद की जो जनता है वो 26 अप्रैल को किस्मत के ताले को खोलती है और किसके किस्मत के ताले बंद होते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी का एक छोटा सा प्रयास हमने किया, गांव-गांव तक जाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो मतदाता है वो इस बार के चुनाव में क्या सोच रहा है, क्या माहौल है। फिर किसी और विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों से आपके साथ जुड़ेंगे और जनता की क्या राय है ये भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं दीपिका ओझा, गाजियाबाद।